अस्सलामुअलैकुम, आप मुलाजा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स बाय तालिब, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़िन, आज हम आपको कुछ खबरें देने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया, पेंशन्स के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों जिसकी हमने आपको पेश की इतला भी दी थी कि एक फंक्शन था एफवा के ज़ेर एहतमाम, और वो फंक्शन उन लोगों का था, उनमें तकसीम होनी थी सर्टिफिकेट, तकसीम होने थे जो EOBI की जो तंजीम है जद्दोजहद करने वाली एफवा के मेंबर बने, और उस मेंबरशिप का फ़ायदा क्या है ये हम आपको मुतअद्दिद दफ़ा बता चुके हैं। और इस हवाले से जो जनरल सेक्रेटरी हैं एफवा के रूहे रवान, जिन्होंने सारा फंक्शन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह अरेंज किया, उनके तासरात ये हैं कि वो शुक्र अदा करते हुए ये कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले पेंशनर्स के प्रोग्राम में भरपूर शिरकत फरमाकर एफवा से अपनी वालेहाना वाबस्तगी का इजहार किया, और मुख्तसर तरीन वक्त में कामयाब तरीन प्रोग्राम ने एफवा की टीम को मज़ीद तवानाई पहुँचाई। इंशाल्लाह पेंशनर्स के इंफरादी व इज्तमाही मामलात को मज़ीद बरकरारी से हल कराने में शब रोज़ अपनी कोशिशों को बरोएकार लाया जाएगा। बतौर प्रोग्राम में मौजूद एक एक पार्टिसिपेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और सबकी सेहत व सलामती के लिए दुआ गो भी हूँ। और उसके बाद उन्होंने इजहार माजरत किया है कि जिनके मेंबरशिप कार्ड तैयार थे उनको व्हाट्सएप दावतनामा जारी किए गए। मज़ीद चंद मेहमानों को भी तकरीब में खसूसी दावत दी गई थी। हाल की कैपेसिटी को मनहूज़ खातर रखना ज़रूरी था, इसलिए पूरी कोशिश की कि हॉल के इंतजामियों को शिकायत का मौका ना मिले। जिन पेंशनर्स के कार्ड तैयार थे इनको इनविटेशन कार्ड आखिरी दिन तक व्हाट्सएप किए गए। बहरहाल उन्होंने अपनी कोई गलती कोताही की माफ़ी मांगी है, ये उनके आला ज़र्फ़ी का सबूत है, और हम इस कामयाब प्रोग्राम पर एफवा की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।